हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में एक अनोखी वीडियो लेके आ रखी हूँ जो बहुत ही दुखद है और आंखें नम कर देने वाली है। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो। वीडियो है वो हमारे वीर जवानों के लिए है। और अभी मतलब सोमवार को हुई थी ये घटना, जिसमें हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो रखे हैं और कुछ जवान अभी भी घायल हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनका स्वास्थ्य है तो वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और जिसमें हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं इस आतंकी हमले में। राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग के आनंद सिंह और पौड़ी जिले के कमल सिंह और अनुज नेगी, टीरी गढ़वाल से विनोद सिंह, इन 5ों जान की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया। तो सबसे पहले उन सभी वीर जवानों को सत सत नमन कि उन्होंने अपना जान अपने देश के नाम कुर्बान किया है। उन्हीं 5 जवानों में से 2 जवान पौड़ी रिकनीखाल ब्लॉक के रहने वाले थे और एक थे डोबरिया। डोबरिया गांव सुना होगा आपने, ये बसड़ा वाले रोड के सामने है। और वहां के अनूप नेगी नाम है उनका। तो उनकी नवंबर में ही शादी हुई थी, जो कि यहां गाड़ी पुल के नीचे गांव है एक पडियारा पानी, तो वहाँ से हुई थी उनकी शादी। वो एक लौते बेटे थे और उनकी एक छोटी बहन है जिनकी अभी शादी नहीं हो रखी है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें। जो हवलदार कमल सिंह थे तो वो थे पपड़ी नौदानों के रहने वाले। और वहाँ मेरा ननियाल गांव भी है, तो मेरे ननियाल के घर के ही बगल में है उनका घर। और वो भी एक लौते भाई थे, उनके 3 बहनें हैं। तो वो उनके पिता भी जब वो 2-3 साल के थे तो उसी टाइम उनके पापा की डेथ हो गई थी। और दादी भी है, तो दादी और माँ ने उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया था और अब इतने मतलब 36 साल की उम्र रही होगी उनकी। जो डोबरिया के हैं उनका भी एक ही चिराग था और जो पपड़ी के हैं उनका भी एक ही चिराग था, कमल सिंह है। तो वो रिश्ते में मतलब मामा के बेटे लगते हैं मेरे। और उनके अभी 1-2 साल की बेटी है और 1 7 साल की बेटी है। घटना सुनते ही सच में आंखें नम हो जाती है। और अप्रैल के महीने लास्ट में ही मतलब इस साइड आए थे वो, पानीसैंड साइड, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी मिली थी उनसे। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो चले गए थे। और उसके बाद अभी मैंने मम्मी को यह खबर सुनाई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी ने बोला कि क्या सच्ची बात है? तो तब इधर उधर से पता करके चला तो हाँ, ये सच्ची बात है। ठंड के जितने लोग हैं वो 12th करके सीधा आर्मी की तैयारी करते हैं, लगभग
70-80% तक उत्तराखंड के ऐसे ही करते हैं कि वो उनका एक ही सपना होता है कि आर्मी में जाना। और अब आपने सुना होगा कि अग्निवीर हो गया है तो मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तब भी वो अग्निवीर में जाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास छोटी छोटी क्लिप है तो मैं उन वीडियो को इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को यह दुख की घड़ी ना साथ देने की शक्ति देना।
और फाइल में भैया चलेगा।
जो ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये किसी व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप व्यूज़ पाने के लिए वीडियो वगैरह जो वीडियो नहीं डालनी चाहिए वो वीडियो डाल रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो यादगार लम्हे होते हैं तो उनको कैप्चर करने के लिए मैंने ये सोचा है कि मतलब मैं वीडियो यादगार रह जाए, इसमें पूरा परिवार और गांव और पूरा जो इपेनो घाटी का क्षेत्र है वो सारे लोग, उनकी आंखें नम हो रखी है।